नो ठीक गोबर जोन, ठीक ठीक गोबर ठीक यहाँ नहीं करना, गोबर ठीक गोबर ठीक जोन गोबर जाना। जोन राइट। ओके महानगरी एक्सप्रेस जो कि डिस्टेंस कवर करने वाली है वाराणसी जंक्शन से लेकर के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक की लगभग 1500 किलोमीटर की डिस्टेंस हम कवर करने वाले हैं 28 घंटों में। वेगा इस बार हमें निर्माण करने वाले हैं महानगरी की सवारी वाराणसी जंक्शन से नहीं बल्कि काशी से, जिसमें हमने एक कनेक्टिंग ट्रेन लेकर के यहाँ पर आए हैं। हो सकता था जिसकी वजह से हमारी वो ट्रेन मिस हो जाती, इसकी वजह से हम जो है काशी में आए हैं और यहाँ से जर्नी शुरुआत होती है। जर्नी काफी सही चल रही है और ये हमारा पहला स्टॉप चूना, जिसका स्टेशन कोड SCAR और बाहर की धूप की हालत देख सकते हैं, इसकी वजह से बाहर जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, इसीलिए यहाँ पर खड़े होकर कर रहे हैं व्लॉगिंग। और ये ट्रेन थोड़ी सी लेट है, करीब करीब आधे घंटे के आसपास, देखते आने वाले टाइम में हो सकता है कवर कर ले, तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। कालीन भैया का शहर, लेकिन कालीन भैया के अलावा ये शहर फेमस है अपने मंदिरों और नेचुरल स्पॉट्स के लिए, स्पेशली वाटरफॉल्स। और जर्नी तो काफ़ी सही चल रही है, ट्रेन अभी भी लेट है और यार गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, वैसे भी यहाँ पर खड़े हैं पैर तो जल रहे हैं, लेकिन फिर भी जर्नी काफ़ी सही चल रहा है। इस ट्रेन का यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट है और इसके बाद हम कवर करने वाले हैं विंध्याचल और काफ़ी सारे स्टॉप्स हैं आने वाले टाइम में, तो वो हम धीरे धीरे कवर करने वाले हैं। हमारा अगला हॉल्ट विंध्याचल, जिसका स्टेशन कोड है VDL। ये अपने धार्मिक स्थलों के लिए और मंदिरों के लिए काफ़ी फेमस है, यहाँ पर विंध्याचल देवी का मंदिर है और धूप बहुत ज़्यादा है आप देख सकते हो, इसलिए बाहर उतर रहे नहीं है हम, ऑब्वियसली बात है। अगले स्टेशन में जैसे धूप कम होती है हम कवरेज करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर 2 मिनट का हॉल्ट है। तो ये है हमारा नेक्स्ट स्टॉप अलाहाबाद च्यूकी, जिसका स्टेशन कोड है ACOY। इससे पहले कि आप लोग सोचे कि मैं कौन हूँ, तो हम साथ में ट्रैवल कर रहे हैं और आपने तो मुझे इस चैनल पर देखा ही होगा, तो अब यहाँ पर ढूंढते हैं कुछ खाने पीने के लिए अगर कुछ मिलता है तो। एंड जर्नी अभी तो अच्छी जा रही है, ट्रेन थोड़ी सी लेट है, मतलब पहले तो शुरू में तो काफ़ी लेट थी, लेकिन अब उसने कवर अप कर लिया है, अभी अराउंड 15 मिनट्स लेट है, लेकिन उतना तो चलता है। और अभी उसका अराउंड यहाँ पे 10 मिनट्स का हॉल्ट है, उसके बाद आएगा स्टेशन मानिकपुर, जो कि हमारे निर्मल भाई का होम टाउन है, तो वहाँ पहुँचने के लिए थोड़ा एक्साइटेड है, तो देखते हैं। ऊपर से गर्मी बहुत है तो इसमें व्लॉग करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, बट ऑडियंस के लिए कुछ भी।
प्रदेश का सतना स्टेशन उसका सिवर में लगभग 400 किलोमीटर की जर्नी हमने कवर कर ली है। जर्नी काफ़ी सुबह चल रही ट्रेन लगभग 15-20 मिनट आधे घंटे के आसपास लेट है और यहाँ पर जो 10 मिनट का हॉल्ट अगर ट्रेन में ज़्यादा देर लगे यहाँ पर हमने खाना कर लिया है ये खाना। और आप इससे पहले सोचे कि इतना सारा क्यों है, तो यार सुबह से हमने कुछ खाया नहीं और लगी है जोरों की भूख, तो पहले मिटाते हैं भूख। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टॉप मैहर जो कि है MIR। तो ये हमारे निर्मल भाई का होम टाउन है और ट्रेन अभी अराउंड हाफ एन आवर लेट चल रही है, लेकिन IRCTC से हमने खाना मंगाया था जो डोमिनोज से पिज़्ज़ा था, जो कि काफ़ी शानदार था, अच्छी क्वालिटी थी, ऑन टाइम डिलीवरी थी और कोई भी दिक्कत फेस नहीं हुई। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यूज़ करें IRCTC का ऐप और चलिए देखते हैं और जर्नी में क्या क्या होता है और आपको भी हमारे साथ ये जर्नी करवाते हैं। अगर आप ये जर्नी नहीं कर पा रहे हैं या आप घर बैठे डिजिटली ये जर्नी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ चलिए, हम आपको कराते हैं ये एक अमेजिंग सी जर्नी। गाइज अब कटनी से 5 किलोमीटर पीछे हैं, लेकिन ये ट्रेन करीबन आधे घंटे से कोई एक स्टेशन पर रुकी है आउटर पर और हमने सोचा कि इसे स्टेशन पे आते हैं एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि हम जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पे कुछ नया देखने के लिए मिलता है। नया है ना, नया झाड़ है थोड़े से और स्टेशन पे एक बंदा भी बाइक लेकर गया, कुछ नया देखने को मिला। तो बस आई होप कि और कुछ नया देखने को ना मिले, अजीब देखने को ना मिले। नहीं नहीं, अजीब लोग हैं यहाँ पे, अभी रात के 2-3 बजे ना, 2-3 बजे उतर के देखेंगे। कौन बोला, कौन बोल रहा है इधर? कोई नहीं बोला, ये ट्रेन के बारे में बातें करते हैं। ठीक, गोबर यहाँ नहीं करना, गोबर जोन। ओके चलो आपको दिखाते हैं स्टेशन के थोड़े नजारे। मध्य प्रदेश का कटनी जंक्शन जिसका स्टेशन कोड है ATE। इस स्टेशन की खासियत ये है कि मध्य प्रदेश का सेकंड मोस्ट बिजिएस्ट जंक्शन है और जंक्शन की बात कर रहे हैं तो जंक्शन एक ऐसा स्टेशन होता है मोर देन वन लाइन्स जो है सेपरेट हो जाती है। तो ये अभी तो काफी अच्छी चल रही है ट्रेन, अभी भी लेट है, करीब ज्यादा लेट हो गई है, थोड़ी थोड़ी 1-1.5 घंटे के आसपास लेट हो गई है और अब ट्रेन का हॉर्न हो चुका है तो चलना पड़ेगा हमें, बोर्ड करते हैं जल्दी से ट्रेन। जबलपुर जंक्शन जो कि आता है वेस्ट सेंट्रल रेलवे में, जो कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर में है और ये फेमस है अपने भेड़ाघाट के लिए। अगर आप जबलपुर आए और आपने भेड़ाघाट मिस किया तो आपने कुछ नहीं देखा जबलपुर में, क्योंकि सबसे बेहतरीन सीनिक व्यू वहीं पर आपको देखने के लिए मिलेगा। सोने का टाइम, अब स्टेशन आएगा इटारसी जिसका हॉल्ट टाइम अराउंड 1-1.5 बजे के आसपास है, बट ये ट्रेन 2 घंटे लेट चली यानी 3:30 बजे आएगा। तो माफ़ी चाहूँगा, इटारसी तो आपको दिखा नहीं पाऊँगा। तो लेट्स सी अब सुबह नींद कब खुलती है, बिकॉज जैसे मैंने कहा इट्स बीन अ टायरिंग वीक। सो लेट्स सी एंड होप आपको भी मज़ा आ रहा होगा इस व्लॉग में और सुबह आपको दिखाएंगे कसारा घाट के शानदार नज़ारे। तब तक के लिए गुड नाइट एंड सी यू इन Day 2। तो ये है हमारा नेक्स्ट हॉल्ट मनमाड़ जिसका स्टेशन कोड है MMR। ये आता है सेंट्रल रेलवे के अंदर और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस एशिया का सबसे बड़ा ग्रेन स्टोरेज वेयरहाउस यहाँ पर है। हमारी ट्रेन करीबन 2 घंटे लेट है और शेड्यूल्ड अराइवल हमारा है अराउंड 3 बजे का। सो लेट्स सी अगर ये रास्ते में कवर अप कर पाती, क्योंकि मुश्किल लग रहा है, बीच में कसारा घाट भी आता है तो क्या होता है। बट अभी तो हम चल रहे हैं पानी के खोज में, क्योंकि प्यास लगी है, ट्रेन में बैटरी कार नहीं है तो पानी ढूंढते हैं और अगर कुछ खाने के लिए मिला तो ब्रेकफास्ट के लिए कुछ ढूंढते हैं। ट्रेन
घंटे में इसमें आ सकते हैं। ये है महाराष्ट्र का नाशिक रोड स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है NK, और ये सेकेंड डे बेसिकली। अब तक हमारी ट्रेन को लगभग पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन दो घंटे लेट होने की वजह से थोड़ा टाइम लग जाएगा। और ये जो नाशिक स्टेशन है, ये मंदिरों के लिए स्पेशली साई बाबा के साई मंदिर के लिए काफी फेमस है। शिरडी साई धाम जाना चाहते हो तो इसके लिए नाशिक एक वाइबल ऑप्शन है। आप मनमाड़ से भी जा सकते हो, नाशिक रोड से भी जा सकते हो, लेकिन मोस्टली जो है नाशिक फेमस है। यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर का भी मंदिर है, एक है, वहाँ पर भी जाना काफी अच्छा ऑप्शन रहेगा। और आगे भी जब कंटिन्यू करते हैं तो हमारे जो है जल्दी कम्प्लीट होने वाली है। हमने 1300 किलोमीटर की जर्नी कवर कर ली है और अभी जस्ट एक स्टेशन क्रॉस किया जिसका नाम है इगतपुरी। स्टेशन कोड है IGP और यहाँ पर जो है बंकर्स वगैरह लगाए गए हैं, जिस वजह से जो है यहाँ से काफी मतलब अपस्टेयर से काफी पहाड़ वगैरह की जर्नी क्रॉस करनी है, जिसके लिए थोड़ी सी मेहनत लगने वाली है ट्रेन के लिए। सैडली हम कवर नहीं कर पाए स्टेशन को, क्योंकि ट्रेन काफी जल्दी निकली। शायद ये ट्रेन लेट है, इसी वजह से जो है इसको जल्दी चलाया जा रहा है। लेट तो अफकोर्स सी बात है, उसकी वजह से इसको जो है बड़ा जो हॉल्ट था यहाँ पे 20 मिनट का वो दिया नहीं गया, करीब करीब 8 से 10 मिनट ही रुके थे। चलो वो अच्छी बात है कि कवर अप करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सैडली हम कवर नहीं कर पाए और आगे की जर्नी देखते हैं आप। तो अराउंड हमारी 1400 किलोमीटर की जर्नी यहीं पर ख़त्म होती है और हमारी ट्रेन अराउंड 1 घंटे 45 मिनट लेट थी, लेकिन जर्नी में काफ़ी मज़ा आया। आई होप आपको भी मज़ा आया होगा। डेफिनेटली आपने भी उतना ही इन्जॉय किया होगा जितना कि हमने इस जर्नी को एंजॉय किया है। और एक्चुअली ये ट्रेन थोड़ा आगे भी जा रही है, CST तक जाएगी, लेकिन हम उतर रहे हैं कल्याण स्टेशन में ही उतर रहे हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करके जाइएगा और आप अपने सुझाव या सवाल जो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।